मारवाड़ की राजधानी माने जाने वाला जोधपुर आज पूरी तरह से देश की राजनीति का केंद्र बन चुका है। जी हां, हम बात कर रहे हैं जोधपुर संसदीय क्षेत्र की। तो जोधपुर संसदीय क्षेत्र में दो प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। जी हां, प्रतिष्ठा है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और दूसरी ओर सूबे के मुखिया अशोक गहलोत के बीच है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी माने जाने वाले गजेंद्र सिंह शेखावत है जो भाजपा के प्रत्याशी, दूसरी ओर सूबे के मुखिया अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत जो कि कांग्रेस की तरफ से अपनी किस्मत है वो आजमा रहे हैं। दोनों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है और फैसला जोधपुर की जनता को करना है कि क्या वो सूबे के मुखिया गहलोत के हाथ मजबूत करेंगे या फिर नरेंद्र मोदी के चहेते गजेंद्र सिंह शेखावत को एक बार फिर से आशीर्वाद देकर दोबारा संसद भेजेंगे। यदि जोधपुर संसदीय क्षेत्र के चुनाव प्रचार की बात करें तो दोनों ही उम्मीदवारों के कई दिग्गज नेता जोधपुर में चुनाव प्रचार के लिए आ चुके हैं। सबसे पहले बात करें यदि गजेंद्र सिंह शेखावत के लिए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह और एनडीए के कई सहयोगी दल के नेता, साथ ही कई केंद्रीय मंत्री भी गजेंद्र सिंह शेखावत के लिए चुनाव प्रचार में जोधपुर आ चुके हैं। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गजेंद्र सिंह शेखावत के लिए जोधपुर में चुनावी जनसभा को संबोधित कर चुके हैं। जोधपुर में जातीय वोट बैंक को साधने के लिए अपने सहयोगी और आरएलपी के अध्यक्ष हनुमान बेनीवाल को जोधपुर में गजेंद्र सिंह शेखावत के लिए चुनाव प्रचार में भेजा और हनुमान बेनीवाल ने जोधपुर में अलग अलग विधानसभा जहां जाटों का बहुल्य क्षेत्र था वहां चुनाव प्रचार में गजेंद्र सिंह शेखावत के लिए वोट मांगे थे। हनुमान बेनीवाल के बाद भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और भाजपा के प्रदेश प्रभारी प्रकाश जावड़ेकर ने जोधपुर में चुनाव प्रचार खत्म होने से ठीक 20 घंटे पहले रोड शो करके पूरे मारवाड़ साथ ही जोधपुर में सियासी पारा है वो और बढ़ा दिया, जिससे कांग्रेस की मुश्किलें और है बढ़ती नजर आ रही है। सबसे बड़ा कमल जोधपुर से खिलेगा और आप सब कार्यकर्ता बंधुओं का सम्मान बढ़ेगा। भारत माता की, आप इतनी बड़ी संख्या में पधारे, 1,00,000 से पार का आज ये रोड शो था, अपने आप में अद्भुत था। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। मैं पुलिस प्रशासन से निवेदन कि आप रास्ता बनाए वसुंधरा राजे जी के लिए और सभी कार्यकर्ता है मैं प्रणाम करता हूँ। मैं जी सभी शांति बना के रखे और अपने स्थान की ओर अग्रसर हो। धीरे धीरे इतनी बड़ी संख्या में आप लोग बना रहे, देखो कार्यकर्ता है जोश नहीं करे, देखो ऐसे इस तरह का दुर्व्यवहार नहीं करे। हमारी लोकप्रिय पूर्व मुख्यमंत्री जी वसुंधरा राजे जी हमारे बीच में बना रहे, हमारे आग्रह पे बना रहे, हम सब जोरदार तालियों से स्वागत करे। दूसरी ओर यदि बात करें कांग्रेस प्रत्याशी की तो कांग्रेस प्रत्याशी वैभव गहलोत गजेंद्र सिंह शेखावत से बिल्कुल भी पीछे नहीं है और उसके हर सियासी समीकरण को साधने की कोशिश कर रहे हैं। बात करें यदि वैभव गहलोत के चुनाव प्रचार की तो वैभव गहलोत के चुनाव प्रचार की कमान संभाल रखी है सूबे के मुखिया अशोक गहलोत, डिप्टी सीएम सचिन पायलट, साथ ही गहलोत के कई मंत्री जो पिछले कई दिनों से जोधपुर में अपना डेरा डाले हुए हैं और वैभव गहलोत के लिए अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में जाकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। मुख्यमंत्री खुद की बात की जाए तो पिछले कई दिनों से मुख्यमंत्री जोधपुर में अलग अलग क्षेत्रों में जाकर वो वैभव गहलोत के लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं, अपने मान और प्रतिष्ठा की लड़ाई लड़ रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कई दिनों से जोधपुर में ही हैं और वो अलग अलग क्षेत्रों में पैदल घूमकर वैभव गहलोत के लिए वो वोट मांग रहे हैं। साथ ही जातीय समीकरण को साधने के लिए अशोक गहलोत ने कई कांग्रेसी दिग्गज नेताओं को
वैभव गहलोत के लिए चुनाव प्रचार में जोधपुर बोले। यहाँ बात करें सबसे पहले जाट वोट बैंक साधने की, तो हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लाकर जाट वोट बैंक को साधने की कोशिश की। विश्नोई वोट बैंक को साधने के लिए अशोक गहलोत ने कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य और अखिल भारतीय विश्नोई महासभा के संरक्षक कुलदीप बिश्नोई को लाकर विश्नोई वोट बैंक को साधने की कोशिश की। इन दोनों कांग्रेस दिग्गज नेताओं के आने से मारवाड़ के अन्य संसदीय क्षेत्र पाली, जालौर और बाड़मेर में बिश्नोई और जाट वोट बैंक को साधने की भी कोशिश रही, जहां उनको कुछ लाभ हो सके। जोधपुर में सियासी पारा इस कदर बढ़ गया है कि अब हार गजेंद्र सिंह शेखावत या वैभव गहलोत की नहीं, हार अब देश की दूसरी बार बागडोर संभालने का सपना देख रहे नरेंद्र मोदी। तो दूसरी ओर सूबे के मुखिया अशोक गहलोत की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। अब देखने वाली बात है कि जोधपुर की जनता किसके साथ विश्वास करती है। जब 23 मई को मतगणना होगी तभी पता चलेगा, लेकिन आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि जोधपुर संसदीय क्षेत्र से कौन जीतेगा, कांग्रेस के वैभव गहलोत या फिर बीजेपी के गजेंद्र सिंह शेखावत। आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।